मुख्यमंत्री जी, ये बताइए कि आपके एक साल भी पूरे हो रहे हैं और दो बड़े अहम चुनाव हैं, कितना अहम है आपके लिए ये चुनाव और कितने आश्वस्त हैं आप इस जीत के लिए? देखिए, हर चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी के विकास और सुशासन के अभियान को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि अच्छे लोग चुन करके जाएं, जनता के प्रति जवाबदेह लोग चुन करके जाएं, और हम लोग उसके प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हम लोगों ने इस दौरान नगर निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर जीते हैं, सपा बसपा का पूरी तरह सफाया किया है। हम लोगों ने विधानसभा का एक उपचुनाव सिकंदरा भारतीय जनता पार्टी ने इस दौरान जीती है, और गोरखपुर से मैंने और फूलपुर से केशव मौर्य जी ने लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर के हमें पार्टी ने प्रदेश में भेजा है। दोनों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर विकास का जो एक नया विश्वास जगाया है, गरीब कल्याण की 100 से अधिक जो योजनाएं घोषित की हैं, केंद्र सरकार के मन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति इस देश की जनता का जो विश्वास है वो हम लोगों की सबसे बड़ी पूंजी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम भी और केंद्र सरकार का काम भी, उसी तर्ज पर प्रदेश सरकार के द्वारा एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इस दौरान हम लोगों ने जो किया है, इन सब को ध्यान में रखते हुए मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं कि दोनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपने बीएसपी और सपा को हराया, आप कह रहे हैं जो स्थानीय चुनाव है उसमें हराया, आपने सिकंदरा उपचुनाव हराया, लेकिन अब ये दोनों पार्टियां एक हो गई हैं, दोनों मिल करके लड़ रही हैं, आपको लगता नहीं है कि अब आपके लिए ज्यादा मुश्किल होगा? सिकंदरा में भी और नगर निकाय चुनाव में भी दोनों एक ही थे। इस स्वार्थ का गठबंधन है, लूट खसोट का गठबंधन है, प्रदेश की राजनीति का प्राधिकरण का गठबंधन है। अपवित्र गठबंधन होने के नाते, जिसमें भ्रष्टाचार है, अराजकता है, गुंडागिर्दी है, लूट खसोट है, इसको प्रदेश की जनता पहले खारिज कर चुकी है। 21 वर्ष हो चुके हैं और इन वर्षों में गोमती जी में बहुत पानी बह चुका है। अब ये गठबंधन कुछ नहीं होने वाला है, केवल अस्तित्व के वजूद को बचाने की एक कवायद मात्र है सपा बसपा की, और मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति है। इन लोगों के सिवाय इसके अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन वहां भी इनको कोई राहत नहीं मिलने वाली है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप जिसे स्वार्थ का गठबंधन कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी ने हमारे ही इंटरव्यू में कहा है कि वो इस गठबंधन के लिए और इस देश के लिए बड़ा से बड़ा त्याग करने को तैयार हैं, यहां तक कि अगर ये गठबंधन होता है, आगे भी चलता है, तो नेता कौन हो, लीडरशिप किसको हो, गठबंधन किसके हाथ में हो, इन सब मामलों में भी वो बड़ा त्याग करने को तैयार है। अब हमने कहा ना, यही तो उनकी हार का सबसे बड़ा कारण है। उन लोगों के सामने, क्योंकि जो कुछ इन्होंने किया है दोनों दलों ने, जिसके कारण आज इनकी विश्वसनीयता पूरी तरह जनता ने इनको विश्वसनीयता के मार्ग में खारिज किया है। स्वाभाविक रूप से देश की खातिर सपा कुछ करे
ये तो अपने आप में एक हास्यास्पद प्रश्न है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का चरित्र, इनका चेहरा क्या है ये देश और दुनिया जानती है। देश के बारे में उन्होंने सोचा है, मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन उनसे पूछा जाना चाहिए कि देश के घोषित आतंकवादियों, चाहे वह रामपुर के सीआरपीएफ कैंप में हमला करने वाले आतंकी रहे हों या राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकी, इन सब के मुकदमों को वापस लेने की एक कुत्सित चेष्टा भी अखिलेश यादव की सरकार ने ही किया था। उत्तर प्रदेश को, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो सबसे समृद्ध प्रदेश बनाने की बजाय सबसे बदहाल प्रदेश बनाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो सपा बसपा ज्यादा जिम्मेदार हैं। प्रदेश में गुंडागिर्दी, लूट खसोट और भ्रष्टाचार का जो कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया, इसके लिए भी ये दोनों दल जिम्मेदार हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब लूटे सामूहिक रूप से हैं, भ्रष्टाचार सामूहिक रूप से फैलाए हैं, प्रदेश में गरीबों, दलितों, वंचितों और सामान्य नागरिकों को तबाह सामूहिक रूप से इन्होंने किया है, तो डूबना भी दोनों को सामूहिक रूप से ही चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि ये लोग सामूहिक रूप से लड़ रहे हैं, हारेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो काम आपने किया, जिस सोशल इंजीनियरिंग को आप लोगों ने लोकसभा में किया, अब वही सोशल इंजीनियरिंग वो कर रहे हैं। आपको लगता है, क्योंकि उनका कहना है कि जो जिस बूते आप जीते हैं और उन्होंने खुद वो रास्ता अब चेंज कर लिया है और अपनी वो सोशल इंजीनियरिंग लेके सामने आ रहे हैं, आपके जवाब के? देखिए, हम लोगों ने सबका साथ और सबके विकास का नारा दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में नारा, 2014 के इलेक्शन के पहले नारा दिया था सबका साथ और सबके विकास का। हमारी नीतियाँ किसी व्यक्ति, किसी जाति या किसी मत या मजहब को ध्यान में रखकर के नहीं, बल्कि हमने गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को ध्यान में रखकर के अपने नीतियाँ और अपने कार्यक्रम बनाए, उसके अनुरूप हमारे कार्यक्रम चल भी रहे हैं, केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के। हमने योजना का लाभ सब तक पहुँचाया, लेकिन किसी व्यक्ति या किसी जाति या किसी मजहब विशेष के लिए अपने कार्यक्रम नहीं घोषित किए। हमने विकास की योजनाएं सब तक पहुंचाई या सब तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं किया। हम सुरक्षा की गारंटी सबको दे रहे हैं, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं करेंगे। ये स्पष्टवादिता शासन की सबसे बड़ी विश्वसनीयता की कसौटी होती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, सोशल इंजीनियरिंग की बात वो जातियों के जोड़ को कह रहे हैं, जिस तरीके से मुस्लिम, यादव और दलित का एक वोट बैंक था, तो उस वोट बैंक की बात कहीं ना कहीं इशारों में कही जा रही है, तो इस सोशल इंजीनियरिंग का जवाब क्या है? देखिए, ये बात जब 90 के दशक में यूपी में प्रारंभ हुई थी, तब से लेकर के अब तक गोमती जी में बहुत पानी बह चुका है। अब इनका ये नारा पूरी तरह फ्लॉप साबित हो चुका है, जनता इनके वास्तविक चेहरे को देख चुकी है, और जातीय खेमों में बांटने की इनकी प्रवृत्ति से प्रदेश को हुई अपूर्णीय क्षति, प्रदेश में नौजवान बेहाल हुआ है, किसान बदहाल हुआ है, व्यापारी असुरक्षित हुआ है, प्रदेश का विकास अवरुद्ध हुआ है, इन सब दुर्व्यवस्थाओं को प्रदेश की जनता देख रही है। इसलिए इनको एक सिरे से इनके इस गठबंधन को भी खारिज करेगी। मुख्यमंत्री जी, एक बात जो विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि आप बहुत तीखा बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो देश तोड़ेगा मैं उसे तोड़ दूंगा, मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता, ऐसी बातें को मुद्दा बनाया जा रहा है, आपको लगता है कि? हमने कोई मुद्दा नहीं बनाया, विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया। क्या आप अयोध्या जाते हैं, दीपोत्सव वहां करते हैं, मथुरा जाते हैं तो मथुरा में होली का उत्सव मनाते हैं? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कभी, ये हमारे पवित्र धार्मिक स्थल हैं, मैं एक हिंदू हूं, मेरी अपनी आस्था है, और हिंदू होने के नाते ही प्रदेश के अंदर बिना किसी संकोच के, बिना किसी असुरक्षा के हर मुसलमान अपना ईद भी मना पा रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा की गारंटी और उनकी सुविधा की गारंटी हम लोग दे रहे हैं।
क्रिश्चियन जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले जो उनके अनुयायी हैं वे लोग क्रिसमस बड़े आनंद के साथ मनाने में पूरे प्रदेश के अंदर सफल हैं, इसलिए क्योंकि हमारा हिंदुत्व हम सबको इस बात की इजाज़त देता है कि हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें और उनको भी शासन उतनी ही सुरक्षा प्रदान करें जैसे अन्य समुदाय को कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर सभी पर्व और त्यौहार बहुत अच्छे ढंग से कुशलतापूर्वक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहे हैं। इसके पीछे हम लोगों के अंदर जो एक भाव है वसुधैव कुटुंबकम का, सर्वे भवन्तु सुखिना का, ये भाव उसके पीछे की जीवंतता का कारण बना है। ये नहीं हो सकता है कि हम घर के अंदर कोई दूसरा आचरण करें और बाहर आकर के कुछ और कर लें, घर के अंदर चोरी छिपे टीका लगाएं और बाहर आकर के फिर टोपी लगा करके ढोंग करें, ये नहीं हो सकता है। हमारी जो पहचान है हम उस पहचान के आधार पर ही सबका सम्मान करेंगे, सबका विकास करेंगे। मुख्यमंत्री जी, पिछले दो दिनों में जो देखा गया है, आप सबको साथ लेने की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, सभी मजहबों के साथ एक समान व्यवहार की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी जीत हुई त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति को तोड़ दिया गया, पेरियार की मूर्ति को तोड़ दिया गया, अंबेडकर की मूर्ति पे हमले हुए, यहाँ तक कि कल कोलकाता में श्याम प्रसाद मुखर्जी के भी मूर्ति पे हमला हुए, तो क्या ये सिर्फ वैचारिक लड़ाई इस हद तक पहुंच गई है कि ऐसे तोड़ा गया? आप इसको किस तरीके से देखते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं? देखिए, हम लोग किसी भी प्रकार की नकारात्मक राजनीति के विरोधी हैं। राजनीति मूल्यों और आदर्शों पर होनी चाहिए। राजनीति का आधार पवित्र आदर्श और सिद्धांत होने चाहिए। राजनीति विचारधारा पर आधारित होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या अराजकता के लिए हमारी राजनीति में कोई स्थान नहीं है। आपकी प्रधानमंत्री की अमित शाह जी की एक जोड़ी एक तिकड़ी बन गई है। आपके मंत्री ने भी मंच से कहा कि वो राम हैं और आप हनुमान हैं, तो क्या ये स्टार कैंपेनर या एक जोड़ी आने वाले समय में कोई बड़ा कह सकते हैं कि गुल खिलाएगी? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के सबसे प्रधानमंत्री हैं, हम सबके नेता हैं और इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और उनके काम की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी आज इन ऊंचाइयों तक पहुंची है। आदरणीय अमित शाह जी संगठन के प्रमुख होने के नाते संगठन की रणनीति को बनाते हैं, तैयार करते हैं और एक कार्यकर्ता के नाते हम सभी लोग जहां भी हमें कहा जाता है हम लोग उस चुनाव कैंपेन का हिस्सा बनते हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होते हैं तो अदर स्टेट के कार्यकर्ता आते हैं, पदाधिकारी आते हैं, दूसरे राज्यों में होता है तो हम लोग भी वहां जाते हैं। देखिए, यूपी के परसेप्शन को हम लोगों ने बदला है, यूपी को विश्वास का प्रतीक बनाया है, उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट उसका प्रमाण है। अपनी एक वर्ष की व्यापक कार्य योजना उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना को लेकर के मैं 18-19 मार्च को मीडिया के सामने अवश्य आऊंगा। मुख्यमंत्री जी, इन्वेस्टर सबमिट हुए, तमाम की तारीफ हुई, सुर्खियां मिली, बहुत 4 लाख करोड़ से ज्यादा के लोगों ने एमओयू की बात की है, साइन हुए हैं, लेकिन कहीं से ये भी सवाल उठा है कि कुछ फर्जी एमओयू भी हो गए हैं। देखिए, एक नेगेटिव कैंपेन करने वाले मीडिया ने कुछ नेगेटिव न्यूज़ दी थी, उस प्रकार का कोई भी एमओयू यहाँ नहीं हुआ है या उस इस प्रकार की किसी भी कंपनी के कोई सीईओ या कोई भी अधिकारी न मुझसे मिले थे न हमारे किसी मिनिस्टर से मिले थे। जिनकी सोच नकारात्मक है देश के बारे में, प्रदेश के बारे में, जिन लोगों ने कभी पॉजिटिव सोचा ही नहीं है, यूपी इन्वेस्टर समिट की सफलता को पॉजिटिव दिशा कैसे ले सकते हैं? लेकिन एक और सवाल है मुख्यमंत्री जी, जो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर में आपने जो सबसे जो बड़ी चीज़ निकल कर आई है वो है एनकाउंटर्स, अपराधियों के धुआंधार एनकाउंटर हुए हैं, कई मारे गए हैं, अरेस्ट किए गए हैं, इससे कितना स्टेट में बदलाव आया है और कई लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, पुलिस के टूटे हुए मनोबल को
बहाल करना है, प्रदेश के आम जन के अंदर सुरक्षा का विश्वास जागृत करना, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी। और मुझे प्रसन्नता है कि काफी हद तक हम लोग इसमें सफल हुए हैं। तो मैं इस बात को दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिन्होंने प्रदेश में लूट खसोट की है, अराजकता फैलाई है, गुंडागर्दी फैलाई है, भ्रष्टाचार फैलाया है, प्रदेश के नौजवानों को बेहाल किया है, किसान को बदहाल किया है, व्यापारी को तबाह किया है, किसान जिनके कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ था, दोनों ने अलग अलग लूटा है, अलग अलग इस प्रकार के गलत कार्य किए हैं, लेकिन जनता दोनों को सामूहिक रूप से एक साथ समाप्त कर देगी। और एक गठबंधन मुझे लगता है इसी बात को लेकर हुआ। अखिलेश यादव ने एक और बात कह दी थी, और वो कहा था कि मुख्यमंत्री जी खुद को हिंदू तो कह रहे हैं, वो भारतीय कब कहेंगे? हिंदू और भारतीय दोनों एक ही पर्यायवाची शब्द हैं, अलग अलग नहीं है। भारतीय शब्द जब हम कहते हैं तो वह भारत की भौगोलिक सीमा को प्रदर्शित करता है, हिंदू शब्द जब हम कहते हैं तो भारत की सांस्कृतिक एकता को प्रदर्शित करता है, सांस्कृतिक सीमा को भी विस्तृत करता है। मुझे लगता है इतनी बुद्धि समाजवादियों के पास नहीं होगी समझने की। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आज तक से बातचीत करें। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अपनी कैमरा टीम नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।